नाउ कमिंग टू एग्जामिनेशन में का सेकेंड पार्ट दैट इज पैल्पेशन। कंसेंट वगैरह हम नहीं ले रहे, वो सब कुछ कंटिन्यू होगा सारा कुछ। डायरेक्ट हम आएंगे पैल्पेशन पे। पैल्पेशन में सबसे पहले हम पैल्पेट करते हैं ट्रेकिया। देयर आर वन फिंगर मेथड, टू फिंगर मेथड, थ्री फिंगर मेथड। वन फिंगर मेथड के लिए एक्सपोज्ड है पूरी बॉडी, ठीक है। हमने वन फिंगर रखनी है ट्रेकिया के ऊपर और देखने के वो कहाँ है, सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर दो फिंगर्स हमने रखनी है उन ग्रूव में जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के ग्रूव्स बनते हैं, कि कहीं यहाँ तो नहीं आ गई इन फ्री स्पेसेस। ये फ्री स्पेस होनी चाहिए, यहाँ ट्रेकिया आ जाए तो मतलब है एबनॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। फिर हमने वो दो फिंगर्स वहीं पर रखनी है और एक फिंगर से इसको स्टेबलाइज करना है, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद फिर आया नाउ कमिंग टू पैल्पेशन ऑफ द एपेक्स बीट। एपेक्स बीट के लिए हमने साइड साउंड, एपेक्स बीट के लिए हमने अपनी हथेली को थोड़ा सा ऊपर 45 नहीं बना, और ऊपर थोड़ा, ठीक है। अपनी हथेली को हमने जहां पे हमें पता है एपेक्स बीट कहां होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, वहां पे रखने की कोशिश करनी है। पहले वहां रखा और महसूस करना है बीट महसूस हो रही है, उसको ट्रेस करना है थोड़ा सा। अब जब पता चल गया कहां हो रही है, उसको चेक करना है। सर पहले हमने क्या ढूंढा, ये देखो सुप्रास्टर्नल करीब आ जाओ, सुप्रास्टर्नल नॉच से हमने देखी एंगल ऑफ लुई, ये स्टर्नल एंगल पे है। स्टर्नल एंगल का मतलब है ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ और मिड, ये क्लेविकल का मिड है, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। क्या थोड़ा आगे झुक सकते हैं, ये हमने मनूवर लाजमी करना है, ठीक है। क्या आप लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी करवट ले सकते हैं, ठीक है, शुक्रिया। ये हमने इसलिए किया कि खुदा ना खास्ता वो लेफ्ट या राइट पे थी तो वो समझ आ जाए कि लेफ्ट या राइट पे कार्डियोमेगैली वगैरह में कहीं लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई। कमिंग टू चेस्ट एक्सपेंशन देखनी है हमने, चेस्ट एक्सपेंशन के लिए हमने देखने के चेस्ट कितना एक्सपैंड हो रहा है ब्रीदिंग में। अपने हाथ साइडों पे रखेंगे आप, यू पकड़ के हमने थ्री साइड से करना है, एंटीरियरली हमने थ्री जगह से करना है, साइडों से पकड़ना है। उसके बाद कहना है डीप ब्रेथ लें, हमने देखना है हमारे अंगूठे दोनों बराबर मूव कर रहे हैं या नहीं, एक यहां से एक और दबा लें, एक सबसे ऊपर से करें, अब आगे हो जाए। अपने हाथ कंधे पे यूं रखें और आगे झुक जाए, इस साइड से जाओ, इसी तरह एक यहां पे डीप ब्रेथ्स, गुड, चेस्ट एक्सपेंशन दिखना है, ये दोनों अंगूठे वापस बराबर आ गए, और एक शुक्रिया। लास्ट स्टेप ऑफ पैल्पेशन, इसमें हमने वोकल फ्रेमिटस चेक करना है। वो किस तरह चेक करते हैं, हमने हाथ की ये वाली जगह इंटरकोस्टल स्पेसेस पे रखनी है और पेशेंट से कहना है उसने तीन 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 बोलना है, ठीक है, आपने तीन 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 बोलना है। जब मैं हाथ रखूंगा आपने बोलना है, पहले यहां पे तीन तीन तीन, बायलेटरली तीन तीन तीन, 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 मिनिमम तीन जगह आगे। आप आगे होके बैठ सकते हैं, आप कंधों पे हाथ रखिए, ठीक है, इसी तरह आ जाए। ये जो स्कैपुला का बॉर्डर है इससे इस साइड अंदर अंदर रहना है, बोलिए तीन तीन तीन, 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 चार जगह पीछे, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस शर्ट पहनवानी है, शुक्रिया। अब समराइज करना है, माय पेशेंट इब्राहिम एज 22 प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट वाज लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री वेल ओरिएंटेड इन टाइम प्लेस एंड पर्सन ऑन पैल्पेशन ऑफ ट्रेकिया द ट्रेकिया वाज इन नॉर्मल पोजीशन मिड लाइन ऑन पैल्पेशन ऑफ द एपेक्स बीट इट वाज इन नॉर्मल पोजीशन दैट इज fifth intercostal space mid clavicular line the chest expansion was normal bilaterally anteriorly
एंड पोस्टीरियरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड एक्सहेलिंग. देन वी हैव वोकल फ्रेमिटिस वॉज नॉर्मल बायलेटरली. थैंक यू.